हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल माय बोर्ड माय रिजल्ट पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सर्च बॉक्स में जाके EDU MRR लिखकर आप हमारे चैनल को खोज सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज से आपके सामने नया एक आ रहा है सीरीज, टेस्ट पेपर वन साइंस के लिए। ये सीरीज आपको 40 सीरीज में कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं अब आगे आपको क्वेश्चन और शुरू करूंगा। चलिए, टेस्ट पेपर वन का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो अब मैं पहला क्वेश्चन बोलूंगा और आपको आंसर देना है। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जोसेफ पिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरेल। चलिए जवाब दीजिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? आप ऑप्शन पे गौर कीजिए और जवाब दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। चलिए अगला आइए, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप सब बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बंगलौर। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आप सब आंसर दीजिए, 1930 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो गया रदरफोर्ड। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो गया चंद्रशेखर सीमा। चलिए आगे है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन आइए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मेघनाथ साहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए एडवर्ड जेनर। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं, और एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। कम से कम 50 क्वेश्चन आज साइंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर SSC NTPC के लिए। चलिए दोस्तों, और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह रोज़ टेस्ट पेपर एक आप लोग दें, बहुत ही आपको पता चलेगा कि 50 में कितने सही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो कौन की किए थे? जेम्स चैडविक। आगे देखिए, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज हो गया चार्ल्स डार्विन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। चलिए, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिस। आगे चलिए,
रक्त परिवहन की खोज, जल्दी बोलिए, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। चलिए एक्सरे की खोज, एक्सरे की खोज किसने की, एक्सरे की खोज किसने की, डब्ल्यू सी रॉन्टजॉन, डब्ल्यू सी रॉन्टजॉन, एक्सरे हो गया रॉन्टजॉन। चलिए आगे, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया, गैलीलियो। गति के जड़त्व नियम हो गया गैलीलियो। गति के नियम किसने दिया, गति के नियम किसने दिया, चलिए आंसर जल्दी देते रहिए, गति के नियम किसने दिया, न्यूटन। गति का नियम किसने दिया, न्यूटन। भारत का वाट्समैन किन्हें कहा जाता है, वाट्समैन किसे कहा जाता है, भारत का वाट्समैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की, आंसर दीजिए, आनुवांशिकी कोड, हरगोविंद खुराना। आनुवांशिकी कोड हो गया हरगोविंद खुराना। चलिए दोस्तों, तो और आगे क्वेश्चन देखते हैं, अभी रुकना नहीं है, लास्ट तक देखें। लाइसोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज किसने की, जवाब दीजिए सी डी डूबे, किसने की, सी डी डूबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन। चलिए नेक्स्ट 28, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, चलिए जवाब दीजिए आप सब, लाइकेन की खोज तुलास ने, किसने की, तुलास ने। लाइकेन हो गया, इसको याद यदि ना रहे तो लाइकेन, उसको याद रखिए, लाइ लॉ से लाइकेन, लास ने, तुलास ने। चलिए नेक्स्ट 29, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, चलिए जवाब दीजिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, ल्यूवेनहॉक, जीवाणु का पता किसने लगाया, ल्यूवेनहॉक। चलिए पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेंसिलिन हो गया फ्लेमिंग। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक। इंसुलिन की खोज किसने की थी, 32, 32 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी, वेटिंग एवं बेस्ट, वेटिंग एवं बेस्ट। चलिए आगे, गामा किरण की खोज किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, गामा किरण की खोज किसने की थी, जवाब दीजिए पॉल विलार्ड, पॉल विलार्ड। रेबीज के टीके की खोज, 34 नंबर क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुइस पाश्चर, लुइस पाश्चर, रेबीज के टीके हो गया लुइस पाश्चर। चलिए दोस्तों, और आगे देखते हैं, प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहते हैं, का नियम किसने द्वारा, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, चलिए आंसर दीजिए, इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन, 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए 36, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, ऑक्सीजन की खोज, चलिए जवाब दीजिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले और प्रिस्टले, सीले और प्रिस्टले, ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन थे, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन थे, इसका हो जाएगा न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन थे, तो न्यूटन। चलिए दोस्तों, तो टेस्ट पेपर 1 आज यहाँ कराया गया है, टोटल 37 क्वेश्चन, आप देखें मिलाकर जवाब दें आंसर कि आपने कितना सही किया है, और आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपका टोटल साइंस का कम से कम 10,000 क्वेश्चन इस सीरीज में चलेगा, आप वीडियो पे बने रहें, आपको लास्ट में सारा का आंसर, अभी 37 क्वेश्चन का आंसर आप लास्ट में देख सकते हैं, और आप मिला भी सकते हैं कि क्या कितना सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो टेस्ट पेपर 2 भी आएगा साइंस को लेके, तो टेस्ट पेपर 2 भी देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि जैसे ही टेस्ट पेपर 2 आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों।